स्मिताज इंडियन किचन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं खट्टी मीठी सी रेसिपी, जो है ऑयल वाला नींबू का अचार। हमने इसे किस प्रकार से बनाया है और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे, तो ये वीडियो में आज हम देखेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए देखते हैं रेसिपी। नींबू का अचार बनाने के लिए हमने 10 से 12 नींबू लिए हैं और इसे इस प्रकार से कट कर लिया है। आप चाहे तो इसके 4 कट्स भी नींबू को लगा सकते हैं, 4 टुकड़े भी कर सकते हैं एक नींबू के। हमने 8 किए हैं। और सबसे पहले हमने जब नींबू लिए तो उसे धोया था और अच्छे से कॉटन के कपड़े से उसे साफ़ कर लिया था। उसका पूरा वाटर हमने निकाल लिया था, क्योंकि नींबू का अचार हम जब डालते हैं तो उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अचार हमारा ख़राब हो सकता है। और अभी हम देखेंगे इसके लिए मसाले। तो हमने लिए हैं 3 टेबलस्पून राई वाली दाल। अगर आपके पास राई की दाल नहीं है तो आप 3 टेबलस्पून राई का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ली है सौंफ, 1 टेबलस्पून मेथी, 1 टेबलस्पून जीरा और आधा टेबलस्पून लिया है हमने कलौंजी दाना। अगर आपके पास कलौंजी नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। कलौंजी से टेस्ट भी बढ़िया आता है और अचार का कलर भी अच्छा आता है, इसीलिए हमने इसे यूज़ किया है। अभी हमें चाहिए 1 कटोरी भर के ऑयल। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हम लेंगे हींग, 2 से 3 टेबलस्पून है नमक, 1 कटोरी भर के शक्कर और 2 टेबलस्पून हमने लिया है लाल मिर्च का पाउडर। 1 टेबलस्पून है वो सिंपल वाला जो रेगुलर लाल मिर्च का पाउडर होता है वो, और 1 टेबलस्पून कलर वाला मिर्च का पाउडर है, और आधा टेबलस्पून है काला नमक। काला नमक बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप उसे ऐड कीजिए, नहीं तो आप उसे भी स्किप कर सकते हैं। और 2 टेबलस्पून भर के लिया है हमने गुड़। गुड़ से टेस्ट अच्छा आता है। शक्कर और गुड़ का मैं साथ में अचार में हमेशा ही इस्तेमाल करती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आता है, इसीलिए हम इसे यूज़ करते हैं। अचार मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन लिया है और पैन में हम डाल देंगे मेथी, सौंफ, जीरा और कलौंजी। हमारे पास राई की दाल है, इसीलिए अभी हम राई की दाल इसमें नहीं ऐड करेंगे। अगर आप राई यूज़ कर रहे हैं, आपके पास राई की दाल नहीं है, तो आप 3 टेबलस्पून राई का इसमें इस्तेमाल करें और उसे भी इस मसालों के साथ भून लें। 2 से 3 मिनट तक हमें ये मसाले मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। इसका जब हल्का हल्का सा अरोमा आए तो गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अभी हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ठंडा करके इसका दरदरा कूट बना लेंगे। मसालों को ठंडा करके हमने इस प्रकार से उसका दरदरा सा पाउडर बना लिया है। आप चाहो तो उसे मिक्सर जार में भी पीस सकते हैं। अचार मसाला बनाने के लिए अभी हमने एक तड़का पॉट लिया है और उसमें हमने डाल दिया है 1 कटोरी ऑयल। ऑयल को हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छा गर्म कर लेना है। ऑयल का टेम्परेचर एकदम कड़क होना चाहिए, अच्छा हॉट ऑयल चाहिए हमें। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे लाएंगे हम मीडियम फ्लेम पे। ऑयल को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद ही हम इसमें मसाले डालेंगे। 10 से 15 मिनट बाद हम देखेंगे ऑयल। ऑयल का टेम्परेचर हमारा लो हो चुका है, इसे फिर भी हमें एक बार टेस्ट करना पड़ेगा। तो हमने इसे टेस्ट किया है, थोड़ा सा मेथी दाना हमने इसमें ऐड किया है और अभी हम इसमें डाल देते हैं राई की दाल और हमने जो मसाले का पाउडर बनाया था वो। आप देख पा रहे होंगे बस इसी टेम्परेचर का हमें ऑयल चाहिए, बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल का हमें मसाले के लिए यूज़ नहीं करना है। हमने ऑयल को एकदम कड़क सबसे पहले गरम इसलिए किया था क्योंकि बाद में अचार में ऑयल का स्मेल नहीं आना चाहिए, इसीलिए ऑयल का टेम्परेचर हमें पहले बढ़ाना पड़ता है, ऑयल अच्छा गरम करना पड़ता है। उसके बाद में मीडियम जब ऑयल का टेम्परेचर हो तब सारे मसाले हमें इसमें ऐड करने होते हैं। हमने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं, जैसे राई की दाल और जो हमने पाउडर बनाया था वो, लाल मिर्ची का पाउडर, नमक, हींग, और अभी सभी को हम मिक्स कर देंगे। याद रखें गैस का फ्लेम हमारा बंद है और अभी हम इसे एकदम ठंडा कर लेंगे।
मसाला हमने एक साइड में ठंडा होने के लिए रख दिया है और अभी हम चलते हैं नींबू की तरफ। मिक्सिंग बाउल में हमने जो नींबू लिए हैं उसमें अभी हम डाल देंगे पूरी शक्कर और उसे मिक्स कर लेंगे। शक्कर के बाद हम डालेंगे इसमें नमक, 2 से 3 टेबलस्पून हमने नमक लिया था तो नमक को भी हम ऐड कर देंगे इसमें। और अभी हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा गुड़, 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें गुड़ डाल देंगे और ये मिश्रण को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अभी हमारा मसाला जो है वो ठंडा हो चुका है तो सारा मसाला अभी ये नींबू में हम ऐड करेंगे और सारे मिश्रण को फिर से एक बार मिक्स कर देंगे। सारे मसाले हमने नींबू में डाल दिए हैं, जो तड़का वाला मसाला था वो भी हमने ऐड कर दिया है, शक्कर, गुड़ और नमक, सारे मसालों को हमने नींबू में डाल दिया है और अभी बस हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। नींबू का अचार हमेशा कांच की बरनी में होता है, ग्लास जार में ही इसे स्टोर करके रखा जाता है, तो अगर आपके पास कोई ग्लास का जार है तो उसमें ही इसे स्टोर करें। और आप जब इसे कभी भी खोलें तो साफ़ चम्मच का ही इस्तेमाल करें। 15 दिन बाद ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी ऐसा ये अचार लगता है। ग्लास जार आप जो यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा अचार से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें नमक, शक्कर और गुड़ डाला है तो उसका पानी छूटेगा, ऑयल भी थोड़ा सा ऊपर आएगा, उसके लिए जो जार होगा वो थोड़ा सा बड़ा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर धूप है तो आप इसे धूप भी दिखा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी सूखे जगह पे आप ये जार को रख सकते हैं। तो हमारा नींबू का अचार बनके बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, स्मिताज इंडियन किचन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक अनोखी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।